स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आज के इस लेक्चर में एक वो चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जहन में होनी चाहिए, दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है वो क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे व्हाट सो एवर, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दीज टू ऑब्जेक्ट्स, वी हैव हियर दिस ब्लैक पेन एंड दिस बुक। इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट होता है? डियर स्टूडेंट्स, आप क्या बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई रिलेशन? डेफिनेटली नॉट सिंगल रिलेशन। वी हैव, हमारे पास बहुत सारे रिलेशंस इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मिल जाएंगे। अगर हम देख लेंगे फर्स्ट रिलेशन जो होगा, अगर हम देख लेंगे, अगर हम इनका वेट देख लेंगे, दोनों का वजन देख लेंगे, रियली एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा। वेट के हिसाब से भी इनका रिलेशन बन जाएगा, एक का ज्यादा है एक का कम है। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, दैट इज द रिलेशन। एंड इफ वी सी द साइज, अगर हम साइज की बात कर लें, इसका साइज जो है बड़ा है देन दिस, इट इज ऑल्सो ए रिलेशन। दिस इज लार्जर इन साइज देन दिस पेन। और इन अनदर वे, वेन वी से, वेन वी सी द रिलेशन लॉन्गर, क्लियरली दिस बुक इज लॉन्गर देन दिस। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 15 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर है, तब जाके भी ये एक रिलेशन एग्जिस्ट होगा इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। इसी तरह बहुत सारे रिलेशन एग्जिस्ट होंगे इन दो चीजों के दरमियान। या अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट समझेंगे, सिंपल सा एग्जांपल जिस तरह आप के जहन में पूरी तरह आएगा, अगर हमारे पास एक छोटा सा चूहा, मान ले एक जानवर की बात कर ले, और एक एलिफेंट है, यही चीजें हम सराउंडिंग से देख लेंगे, क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट होगा? डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली वहां पे भी रिलेशन एग्जिस्ट होगा, वजन के हिसाब से भी वहां पे रिलेशन एग्जिस्ट होगा। अगर हम देख लेंगे जो रैट है उसका वजन कम होगा और एलिफेंट जो होगा उसका वजन ज्यादा होगा। क्लियरली अगर रैट का वजन हम मान ले एक्स और एलिफेंट का वजन हम मान ले वाई, वी गेट दिस रिलेशन, एक्स इज लेस देन वाई। अगर हम साइज की बात कर ले, वहां पे भी ऐसा ही होगा। इसी तरह अगर हम लंबाई की बात कर ले, वहां पे भी ऐसा होगा। अगर हम उनके सरफेस एरिया जो मान ले, हम जो इनका बिरूनी हिस्सा है वो भी हाथी का ज्यादा होगा और उस राइट का कम होगा। इस तरह वहां पे भी बहुत सारे रिलेशंस आ गए और हमें मिल भी जाएंगे अगर हम देख लें। कंक्लूजन में क्या है, इफ वी सी अवर सराउंडिंग्स टेकन इन टू ऑब्जेक्ट्स, और इफ वी टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट, दैट सिंगल ऑब्जेक्ट हैज अ रिलेशन विद इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल वी टेक ए बॉल, अगर हमारे पास एक बॉल होगा, इसका रिलेशन इटसेल्फ के साथ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बॉल का जो सरफेस एरिया है, जो भी है व्हाट सो एवर, जैसे एक्स सेंटीमीटर में लेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर, इटसेल्फ के साथ, अपने आप के साथ इसका रिलेशन है,
दैट इज एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये रिलेशन है यहां पे। इसका जो सरफेस एरिया है वो इसी के सरफेस एरिया के बराबर है। देखो अगर इसी तरह हम इस बाल का वॉल्यूम देख लेंगे, वो तो वॉल्यूम ऑफ दिस बाल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सेम बाल, दैट आल्सो बिकम्स अ रिलेशन टू इटसेल्फ, इसके साथ इसी इसका रिलेशन इसी के साथ। इस तरह जो भी हमारे पास चाहे दो ऑब्जेक्ट ले या एक ऑब्जेक्ट ले या दो से ज्यादा, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशन तो बनेगा ही, डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कौन सा रिलेशन ले और किस रिलेशन को देख ले। डियर स्टूडेंट्स, जनरली वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे से वन ऑब्जेक्ट इज एक्स अनदर ऑब्जेक्ट इज वाई। अब जो भी रिलेशन इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान है जैसा भी है, अब ये रिलेशन के साथ जो हम कंसिडर रिलेशन कर रहे हैं तब जाके हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को मैथमेटिकली इस सूरत में लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। Now, when we see in mathematics, we have a real set. If we have a real set, we have two elements of the real set. Then these two real numbers necessarily have a relation. For example, we have a real set. This is the graphical representation of real set. That is say, this origin यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक y, इनके दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट होगा, नेसेसरी एग्जिस्ट होगा। एक्स इज लेस देन वाई और वाई इज ग्रेटर देन एक्स, दो रिलेशंस आपके पास आए आ गए। अब इनके दरमियान जो रिलेशन आप कंसिडर कर लें, चाहे आप लेस देन कंसिडर कर लें या ग्रेटर देन कर लें, तब जाके इन दो एलिमेंट्स के दरमियान जो रिश्ता है उस सिचुएशन को हम इस सूरत में लिख सकते हैं एक्स वाई। जब हमने इनको इस सूरत में लिखा, इसका मतलब इनके दरमियान रिलेशन है। अब कौन सा रिलेशन है डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन की हम कौन सा रिलेशन ले रहे, चाहे आप लेस देन वाई एक्स इज लेस देन वाई रिलेशन ले या वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये रिलेशन है। मीन्स जो भी दो रियल नंबर्स आपके पास होंगे उनके दरमियान नेसेसरी रिलेशन होगा। जब रिलेशन होगा तब जाके उस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। उन दो एलिमेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं, दो एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमने इस फॉर्म में लिखा, इसका मतलब यह है कि इन दो एलिमेंट्स के दरमियान एक रिलेशन है। जब इन दो के दरमियान एक रिलेशन है, इसी तरह जब आपके पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं आपस में, उन इनफाइनाइट रियल नंबर्स को भी आपस में रिलेशन्स हैं। अब हमारे पास जो रिलेशन दैट इज से वी रिप्रेजेंट रिलेशन बाय आर, इट इज इक्वल टू से एक्स वाई साइड दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हायर कंसेप्ट है लेकिन आपको समझाने के लिए। एक्स वाई रियल नंबर्स हैं, एक्स वाई रियल जो भी है, फॉर एग्जांपल वन टू है, वन टू इसका जब हमने ये लिया इसका मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब वन एंड टू के दरमियान का कोई रिलेशन है, चाहे वन इज लेस देन टू ले लें या टू इज ग्रेटर देन वन ले। इसी तरह वन थ्री वन फाइव टू सिक्स एंड सो ऑन रूट टू फाइव, जो भी आप लेंगे रियल नंबर अनदर रियल नंबर के साथ उसका रिलेशन बनता ही बनता है। अब जो रिलेशन मिलेगा दो एलिमेंट्स का, उसको हम बाय एन ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं दो एलिमेंट्स के रिलेशन को।
This is called an ordered pair. Is ordered pair, general ordered pair can be represented by this x, y. X is real number, y is real number. This x is called first component. First component of ordered pair. इसी तरह y is called second component. Our first component is also called abscissa, and second component is called ordinate. First component is called abscissa, and second component is called ordinate, and this is called an ordered pair. अब ये रियल हर किसी रियल नंबर के साथ होगा, चाहे आप उसको अनदर रियल नंबर के साथ जोड़ दें, कंपेयर कर ले, यू सी देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑलवेज बिटवीन टू रियल नंबर्स. ये हमेशा दो रियल नंबर्स के दरमियान रिलेशन एग्जिस्ट होगा ही होगा. अब हमारे पास रियल सेट जो है उसका रिलेशन रियल सेट के साथ होता है. इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी हैव ए रियल सेट देन वी हैव रियल नंबर्स. इट इज रियल सेट, इट इज अनदर रियल सेट. ये रियल सेट से इसमें भी रियल नंबर्स हैं, इसमें भी रियल नंबर. उन रियल नंबर्स के दरमियान आपस में रिलेशंस हैं. वो जो रिलेशंस उन एलिमेंट्स के दरमियान हैं, उनको हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं. से एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स इस आर का एलिमेंट है, वाई इस आर का. एक्चुअली ये एक ही रियल सेट. ये जो यहां पे रिलेशन ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, यहां पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, यहां पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स मीन्स रियल नंबर्स हैं. इस तरह हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स होंगे. एंड ऑलवेज आइदर एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई और वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, एज दे हैव अ रिलेशन बिटवीन. जब इनके दरमियान रिलेशन है तब जाके एक तो नेसेसरी डिपेंडेंट होगा दूसरे पे. चाहे आप एक्स को मान ले डिपेंडेंट ऑन वाई और वाई को मान ले डिपेंडेंट ऑन एक्स. अब हम ये एक्स इज रियल सेट, वी कैन रिप्रेजेंट दिस एक्स रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स. वी कैन रिप्रेजेंट दिस बाय नंबर लाइन से x axis. इस रियल सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, दैट इज x axis. इसी तरह जो r सेट है, दूसरा r सेट y, रियल नंबर जो है जिनको x के साथ रिलेशन है, वो भी रियल सेट, उसका भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. ऑलवेज That is also geometrical representation. उस real set का भी जो geometrical representation है, that is also number line. वो भी एक number line है. अब यहां पे एक चीज में करने वाला हूं, वो जो number line इस real set से हमें मिलेगा, that can be done drawn mutually perpendicular to this axis. इसका नाम हम रख लेंगे y एक्सिस. ये भी नंबर लाइन है, इस पे भी रियल नंबर्स हैं, ये भी नंबर लाइन है, इस पे भी रियल नंबर्स हैं. अब जाके जहां पे भी हमने ये दो लाइनें डाल दी, ये दो नंबर लाइनें डाल दी विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जहां पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसको हम यहां पे ओ से रिप्रेजेंट कर लेंगे. इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, और जिस सरफेस पे
ये दो लाइनें लाई करेंगी उस सरफेस को हम प्लेन बोल सकते हैं और उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, उसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान में रख लेना, ये नंबर लाइन है, ये भी नंबर लाइन है। दिस रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स, दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स, बट द रियल नंबर्स हैव रिलेशन। ये जो रिलेशन आपस में वो रियल नंबर्स का है, दैट कैन बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस। दिस इज नंबर लाइन, दिस इज अनदर लाइन। उस रिलेशन जो इन एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन, यही जो यहां पे हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर डाल दी है दो लाइन्स, यही उस उन रिलेशन्स को डिफाइन कर लेंगे। और जहां पे ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये नंबर लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड दिस प्लेन जिस पे ये लाइन्स, ये नंबर लाइन्स हमने डाल दी, उसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो नंबर लाइन है, इट डिवाइड्स द होल प्लेन इनटू फोर पार्ट्स। एक पार्ट यहां पे होगा, ये सेकेंड पार्ट, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ। डियर स्टूडेंट, दिस फर्स्ट पार्ट जो है ये यहां से होके अब 20 पिन